यूपी के फतेहपुर जिले के खाका कोतवाली क्षेत्र के टेनी गांव के समीप कोट आ रहे युवक को चाकुओं से बाइक सवार तीन लोगों ने हमला कर दिया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में 108 एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि खागा कोतवाली क्षेत्र के टेनी गांव के रहने वाले एक युवक ने गांव के ही शिवकरण के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया था। जमानत पर जेल से रिहा हुए युवक के परिजनों का आरोप है कि कोर्ट की तारीख के लिए सुबह अपने मोटरसाइकिल से कोर्ट आ रहा था, तभी पीड़ित के परिजनों ने उसे रास्ते में रोक कर उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं डिप्टी एसपी कपिल देव मिश्रा ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के टेनी गांव में वर्ष 2011 में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया, जहां जमानत मिलने पर वह जेल से छूटकर वापस आया था और आज कोर्ट की तारीख में सुबह आ ही रहा था कि प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोप लगाया गया है कि युवक के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सर, एक युवक को चाकू मारा गया है, सर क्या है पूरा मामला? वो बता रहा है कि कोर्ट आ रहा है तभी उसको चाकू मारा गया है। ये शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो गांव टेनी थाना खागा के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध सन 2011 में राजा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने बलात्कार का अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा था और यह प्रकरण माननीय न्यायालय में सुनवाई के स्तर पर लंबित है। और जैसा कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब वो न्यायालय में अपने मुकदमे के लिए आ रहे थे तो उस पूर्व वाले मुकदमे के बाद ही राजा सिंह ने अपने परिजनों के साथ मिलकर के उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया है। इस प्रकरण में पुलिस खागा द्वारा जांच की जा रही है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। सारे तथ्यों की जाँच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। धन्यवाद। तेज बोलो। तो लड़का मिल गया, मुकदमा जात रहा केस में, तो चाकू का जगह चोट आई है, कई जगह मारे ने हाथ पैर बांध के। काहे का मुकदमा चल रहा था? अरे लड़की के बीच है ना। किन लोगों ने वार किया? राजा के लड़का, विरोधी पक्ष ने। विरोधी पक्ष काहे किया, क्यों मारा लड़के को आपको? मुकदमा न जाने पाए तो हल हो जाए। हाँ, फंसाने के लिए कोई लड़का रही न जाए तो कोई लड़ेगा। कोई लड़ेगा। थाने गए आप लोग? हाँ। क्या हुआ थाने में? कोई रिपोर्ट नहीं। कोई रिपोर्ट? आज कहाँ आए हैं आप लोग? एसपी ऑफिस आए हैं। यहाँ कोई सुनवाई हो रही है? मामला ये है कि जो शिवकरण लड़का, इसके आज के 3-4 साल पहले जो है जो झूठा मुकदमा लड़की का फंसाया गया, उसके बाद मुकदमा चल रहा था। मुकदमा चलने के बाद जमानत से लड़का छूटा है। छूटने के बाद लगातार तारीख चल रही थी, आज उसका फाइनल मुकदमा की तारीख थी। उसके बाद वो घर से निकला कि मैं जा रहा हूँ, सुबह जल्दी से निकला। उसके बाद लैट्रिन जा रहा था, लैट्रिन में वहीं रोड पर जो है गाड़ी खड़ी की है, वहीं से पकड़ लिया है विरोधियों ने, जो इन्होंने मारा जो ठाकुर लोग हैं गांव के। और उसके बाद जो है वहीं पे चाकू और काफ़ी जो है बांध बांध के मारे हैं, चाकू धारदार हथियार से मारे हैं और गाली गलौज किए। उसके बाद जब जानकारी हुई तो हम लोग गांव के वहां पहुंचे, तो उसके जान की रक्षा किए। जान की रक्षा करने के बाद हम लोग 100 नंबर का फ़ोन किए, प्रार्थी को पकड़ लेके थाने चले गए। उसके बाद मुलजिम वही गांव में टहल रहा था, हम लोगों ने कहा मुलजिम को पकड़िए, करा दो, हमारा काम हम अपना कर लेंगे। थाने को क्या गया था? उसके बाद फिर हम लोग एक ट्रैक्टर आदमी लिए थाना गए हैं। थाने में जाने के बाद हम लोगों ने उससे कोतवाल से मिले तो कोतवाल कह रहा मैंने यहाँ से रिफर कर दिया हरदो के लिए, हरदो वालों ने रिफर कर दिया फतेहपुर के लिए। आप फतेहपुर जाइए, यहाँ कोई काम नहीं है आपका, आप यहाँ से चले गए। यहाँ आए क्या हुआ? यहाँ अभी आए हम लोगों ने जो है वहाँ हरदो गए, जिला अस्पताल गए, तो जिला अस्पताल वालों फिर जो है खागा के लिए रिफर कर रहे हैं। उसका जो है उसके जान, मतलब उसकी जान खतरे में है, उसका कहीं इलाज नहीं हो रहा। उसका सबसे पहले तो इलाज होना चाहिए, इलाज होने के बावजूद उसके कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो उचित कार्रवाई है। उसके बाद जो अगर यहाँ पे फिर हम अभी जा रहे हैं इस वक्त तो एसपी आवास आए, एसपी ऑफिस गए।